जय हिंद स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल आई आरती दुआ वेलकम्स यू ऑल इन जीके क्लास। होप यू ऑल आर वेल एंड एंजॉयड योर हॉलीडेज, योर समर ब्रेक। यस, गुड। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर जीके चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, इंडिया इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ओपन पेज नंबर 10। The Defense Research and Development Organization, that is DRDO, DRDO is the short form, is an agency of the Republic of India, charged with the military's research and development, headquartered in New Delhi, India. Means DRDO, क्या है ये DRDO? ये एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और ये क्या काम करती है? ये एक रिसर्च का और उसका डेवलपमेंट का मीन्स विकास का काम करती है। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट DRDO इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज ए डिफेंस हब विच डेवलप्स डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। DRDO डेवलप्स डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन द प्रोजेक्ट मोड। और DRDO एजेंसी जो किसके लिए काम करती है? यस, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, और न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। टुडे वी विल डिस्कस ऑल द प्रोजेक्ट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स IAF बाय डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर। इट इज पावर्ड बाय अ सिंगल इंजन। इट इज माउंटेड विद इनबिल्ट मल्टी मोड रडार, दैट इज MMR, रडार वार्निंग रिसीवर RWR सिस्टम्स। एज पार्ट ऑफ LCA प्रोग्राम 20 एयरक्राफ्ट विल बी बिल्ट बाय 2017-18 टू मेक द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द एयरक्राफ्ट। मीन्स ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक रडार है, पहला जो इंडिया के द्वारा बनाया हुआ लड़ाकू विमान है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मीन्स रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, जो कि अब नहीं है, उस टाइम वो थे, द्वारा भारतीय वायुसेना IAF को सौंपा गया था। यह सिंगल इंजन द्वारा चलाने वाला एक संचालित है। यह इनबिल्ट मल्टी मोड रेड MMR RWR सिस्टम के साथ लगाया गया है। LCA प्रोग्राम के लिए के हिस्से के रूप में विमान के जो वो थे, एक स्क्वाड्रन थे, वो क्या थे? फिन्स स्क्वाड्रन बनाने के लिए 2017 और 2018 तक 20 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, ऐसा ये बोला गया था। तो किसके बारे में हम बात करें? यस, योर आंसर इज सी, दैट इज तेजस। लुक एट ऑन द स्क्रीन, देखो ये जो पिक्चर है किसकी है? तेजस की है ये। द तेजस इज द सेकेंड सुपरसोनिक फाइटर डेवलप्ड बाय HAL आफ्टर द HAL HF-24 मेरिट। प्रोडक्शन ऑफ द तेजस मार्क वन फॉर द इंडियन एयरफोर्स IAF बिगेन इन 2016। द IAF प्लान टू प्रोक्योर 324 एयरक्राफ्ट इन ऑल थ्री वेरियंट्स, दैट इज MK-1, MK-1A एंड MK-2। सो दीज आर द फीचर्स, दीज आर द नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द तेजस। नाउ सेकेंड, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स, 280 mi, 240 nmi, and a speed of Mach 7. During the cruise stage of flight, the missile will be propelled by a scramjet air-breathing jet engine. It is expected to be ready for testing by 2020. Yes, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उनसे प्रोजेक्ट के बारे में, जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो रेंज है क्या है? 280 mi एंड 240 nmi है, और मैक 7 की गति होने की ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है, ऐसा उम्मीद है।
और ड्यूरिंग द क्रूज स्टेज ऑफ फ्लाइट मीन्स उड़ान के क्रूज के दौरान जो है ये मिसाइल एक स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन द्वारा संचालित किया गया प्रोपेल्ड मतलब चलाया जाता है उसको. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी फॉर टेस्टिंग बाय 2020. इसके 2020 तक परीक्षण के लिए तैयार होने की उम्मीद थी. सो योर आंसर इज ई ब्रह्मोस 2. यस डियर स्टूडेंट्स आई विल लाइक टू इन शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मोस 2. जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उसमें था कि उम्मीद है कि 2020 में होगा, बट नाउ इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस 2. ओके द रेंज ऑफ द न्यू लैंड अटैक ब्रह्मोस 2 वर्जन ऑफ द मिसाइल हैज बीन एक्सटेंडेड टू 400 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल 290 और 280 किलोमीटर, बट इट स्पीड हैज बीन मेंटेन एट 2.8 मैक. ओके ये 24 नवंबर की जो 2020 की न्यूज है उसमें ये मेंशन किया गया था, मीन्स सक्सेसफुली हो चुका है ये. ओके नाउ 3. इट इज अ ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर डेवलप्ड बाय रशिया सुकोई एंड बिल्ट अंडर लाइसेंस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL फॉर द इंडियन एयरफोर्स दैट इज IAF. A variant of the Sukhoi Su-30, it is a heavy all-weather long-range fighter. Means, यह जो fighter था, रूस के Sukhoi द्वारा बनाया गया था, develop किया गया था, विकसित किया गया था, और भारतीय वायुसेना कौन सी है? Yes, IAF के लिए भारत के हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL द्वारा उसके जो लाइसेंस है उसके अंडर में ये निर्मित किया गया था. और एक ये ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है उसकी ऐसा माना जाता है कि ये सिक्योरिटी के उसमें बहुत ही श्रेष्ठ है. सुकोई SU-30 का एक प्रकार, यह एक भारी मौसम लंबी दूरी का लड़ाकू विमान है. सो आपको आंसर पता चल गया होगा, इसमें आया भी है. यस योर आंसर इज बी सुकोई SU-30 MKI. स्पीड ऑफ सुकोई SU-30 की क्या है, 2120 किलोमीटर पर आवर और रेंज है 3000 किलोमीटर एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सुकोई इज सुकोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. सो योर आंसर इज बी सुकोई SU-30 MKI. नाउ 4. It is India's indigenously developed long endurance combat capable drone successfully completed its maiden flight, giving a boost to India's development program for unmanned aerial vehicles UAV. It has an endurance of 24 hours and conduct service lines and reconnaissance missions of the country's armed forces. Means यह भारत का स्वदेशी रूप से बनाया हुआ जो एक कहेंगे कि कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन है. ये मानव रहित हवाई वाहनों के लिए भारत के जो डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए उसके कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की. इसमें 24 आवर्स का काम करने का जो इसका एंड्योरेंस है वो धीरज है. यह देश के सशस्त्र बलों के लिए निगरानी और उसके जो क्या कह सकते हैं कि मिशन के लिए ये काम कर सकता है, संचालन कर सकता है. जैसे आपने अभी एक पिक्चर आई थी उसमें भी ड्रोन, वो एक चील के रूप में ड्रोन का काम करते हैं ना, आर्म फोर्सेस के लिए वो भेजते हैं, है ना, तो उसी के लिए. सो योर आंसर इज क्या है, ये रुस्तम 2. ए आंसर इज ए रुस्तम 2. लुक एट द पिक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ रुस्तम 2. और उसके बारे में मैं एक बात और बता दूं, द DRDO रुस्तम इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल बीइंग डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मींस किसके द्वारा, बाय DRDO फॉर द 3 सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज. ये इस चीज के लिए काम करता है.
डिजाइन ग्रुप क्या है इसका, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेब्लिश ऑफ DRDO, और कहाँ का ओरिजिन क्या है इसका, नेशनल ओरिजिन क्या है, इंडिया, यानी ये इंडिया में ही बनाया जाता है. योर आंसर इज रुस्तम 2. नाउ कम टू 5. इट इज इंडियाज ओनली टेक्टिकल न्यूक्लियर कैरिंग एंड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट. देयर आर 4 फोर्सेज दैट यूजेज इट इन देयर एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स UK, फ्रेंच एयरफोर्स फ्रांस, रॉयल एयरफोर्स ओमान एंड इंडियन एयरफोर्स. मीन्स ये भारत का जो ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एकमात्र क्या कहना चाहिए कि टेक्टिकल न्यूक्लियर परमाणु ले जाने के लिए और ज़मीन पर हमला करने वाला विमान है. मतलब ये जो हमला करता है वो बिल्कुल ग्राउंड पे लैंड पर जाके कर सकता है ये हमला, विमान ज़मीन पर है ना. और इसमें 4 बल हैं, इसमें 4 क्या कहना चाहिए कि इसको फोर्स है इसके अंदर 4 तरीके की, जो इसे अपने वायुसेना में उपयोग करते हैं. कौन से, रॉयल एयरफोर्स UK, फ्रेंच एयरफोर्स फ्रांस, रॉयल एयरफोर्स ओमान एंड और कौन यूज करता है, इंडियन एयरफोर्स. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, योर आंसर इज D, स्पेकेट जगुआर 3. लुक एट द पिक्चर, और इसका जो डिजाइनिंग है वो देखो, है ना थोड़ी डिफरेंट. जिसके बारे में भी आज हमने बात की है सभी डिफरेंट डिफरेंट है. द स्पेकेट जगुआर इज एन एंग्लो फ्रेंच जेट अटैक एयरक्राफ्ट ओरिजिनली यूज बाय द ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एंड द फ्रेंच एयरफोर्स इन द क्लोज एयर सपोर्ट एंड न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल. इट इज स्टिल इन सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स. और इसकी स्पीड कितनी है, 1700 किलोमीटर पर आर, और रेंज क्या है, 3524 किलोमीटर्स है ना. और इसको जो मैन्युफैक्चर इसका कौन है, स्पेक्टेट डसॉल्ट एविएशन. डियर स्टूडेंट्स, यस, व्हाट वी हैव लर्नड, ये टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स एंड द वर्क्स ऑफ DRDO agency. Okay, now here your chapter 5 is ended. Thank you and have a nice day.